नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उन खबरों से जो है सुर्खियां। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। एंजॉय द मॉनसून विद माइलेज रेनवियर एंड फील द डिफरेंस। प्रोडक्ट बाय हाजरा प्लास्टिक, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, रेनवियर एंड विंटर वियर, कोलकाता। अग्रवाल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। बिहार में शुरू हुआ अनलॉक, अल्टरनेट डे खुलेंगी दुकानें। न्यूज टुडे पर जानिए किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान। बिहार में लॉकडाउन खत्म, अब शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। शाम 7 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। बिहार में लगातार नीचे आ रहा कोरोना का ग्राफ, आज मिले 711 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 8000 से नीचे। दरभंगा में 31 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा आंकड़ा। बाबाई दा के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित, पर्यावरण सुरक्षा का लिया गया संकल्प। जाप सेवा दल ने जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराया मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सैनिटाइजर मशीन एवं लिक्विड। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा, जारी रहेगी निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा। दिन दहाड़े हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 लाख के साथ एक गिरफ्तार। रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई बैठक, मुख्य सचिव ने की ऑनलाइन मीटिंग। बाढ़ की तैयारी को लेकर भी आयोजित हुई मीटिंग। और हर घर नल जल योजना की हुई समीक्षा। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में शुरू हुआ अनलॉक, अल्टरनेट डे खुलेंगी दुकानें। न्यूज टुडे पर जानिए किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान। कोरोना की दूसरी लहर के लगातार कम होते प्रभाव के बीच बिहार सरकार ने शुरू की अनलॉक की प्रक्रिया। अब सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। एक दिन बीच कर यानी अल्टरनेटिव डेज के अनुसार खुलेंगी दुकानें। श्रेणी एक और दो श्रेणियों में दुकानों को रखा गया है। श्रेणी एक की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, जबकि श्रेणी दो की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। अब न्यूज़ टुडे पर आप जान लीजिए कि कौन सी दुकान किस श्रेणी में रखी गई है और वह किस दिन खुलेगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों और प्रतिष्ठानों की सूची में कपड़े की दुकान, रेडीमेड वस्त्र की दुकान, बर्तन की दुकान, सोना चांदी की दुकान, स्पोर्ट्स और खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, जूता चप्पल की दुकानें, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, सैलून और पार्लर। अन्य सभी दुकानें जो किसी सूची में नहीं हैं वो इसी दिन खुलेंगी। ये सभी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों की सूची है, जबकि श्रेणी दो में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाले दुकानों और प्रतिष्ठानों की सूची इस तरह से है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाले दुकानों में इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, विक्रय एवं मरम्मति, इलेक्ट्रिकल गुड्स यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, UPS एवं बैटरी, बिक्री एवं मरम्मत, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसेज सेंटर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकानें, ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब, लुब्रिकेंट, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, साइकिल और साइकिल मरम्मति की दुकान, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी और सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान और दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस मछली, दूध, PDS की दुकानें हर दिन सुबह 6 बजे से 5 बजे अपराह्न तक खुलेंगी। रविवार को उपरोक्त सभी दुकानें बंद रहेंगी। दुकानों और प्रतिष्ठानों का संचालन कई शर्तों के साथ होगा, मतलब हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा दुकानदार और ग्राहक दोनों के लिए।
और सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखना होगा ध्यान। बिहार में लॉकडाउन खत्म, अब शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, शाम 7 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। बिहार में लॉकडाउन खत्म, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लेकिन जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू। 50% की उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। दुकानें अब बिहार में शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। लॉकडाउन के बारे में सरकार ने फैसला ले लिया है और बिहार में लॉकडाउन 4 की समय सीमा आज खत्म होने के साथ ही इस वक्त लॉकडाउन खत्म करने का निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से तमाम जानकारियां देते हुए ट्वीट किया है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है, अतः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय अपराह्न 4 बजे तक खुल सकेंगे। दुकान खुलने की अवधि शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। निजी वाहनों को चलने की अनुमति होगी। यह व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने आम जनों से अपील की है कि अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए जाने की पुरजोर वकालत की है उन्होंने। इसके साथ ही मास्क लगाने का अनुरोध किया है और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखने की अपील की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अपने ट्विटर हैंडल से यह तमाम जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन बिहार में खत्म किया जा रहा है, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। दुकानों के खुलने की अवधि अब 5 बजे अपराह्न तक बढ़ा दी गई है। बिहार में लगातार नीचे आ रहा कोरोना का ग्राफ, आज मिले 711 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 8000 से नीचे। बिहार में कोरोना के 711 नए मरीज, एक्टिव केस भी घटकर 8000 से नीचे आया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। आज एक दिन में 711 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि टोटल एक्टिव केस भी घटकर 7897 पर आ गया है। सबसे अधिक आज पटना में 65 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। इसके साथ ही अररिया में 20, अरवल में 3, औरंगाबाद में 18, बांका में 2, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 9, भोजपुर में 9, बक्सर में 6, दरभंगा में 31, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 34, गोपालगंज में 40, जमुई में 10, जहानाबाद में 2, कैमूर में 2, कटिहार में 24, खगड़िया में 7, किशनगंज में 23, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 17, मधुबनी में 14, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 30, नालंदा में 13, नवादा में 13, पूर्णिया में 58, रोहतास में 10, सहरसा में 15, समस्तीपुर में 22, सारण में 31, शेखपुरा में 4, सीतामढ़ी में 10, सीवान में 15, सुपौल में 66, वैशाली में 10, पश्चिम चंपारण में 8 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 7 रही है। दरभंगा में 31 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा आंकड़ा। दरभंगा में मिले 31 नए पॉजिटिव केस, बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। कल 19 तो आज फिर तुरंत अगले दिन 31 नए मरीज। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 नए मरीजों के मिलने के साथ ही दरभंगा में कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है। बाबाईदा के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित, पर्यावरण सुरक्षा का लिया गया संकल्प। बाबाई दा के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धरती हम सब की आश्रयदाता के साथ जन्मदाता भी। पूजनीय बाबाई दा के 54वें जन्म दिवस के अवसर पर सत्संग नगर भैरवपट्टी सत्संग मंदिर प्रांगण में किया गया वृक्षारोपण सह नामधुन भजन कीर्तन का आयोजन। उक्त बातें दरभंगा सत्संग मंदिर से जुड़े जाने माने शिक्षाविद और समाज सेवी शिव किशोर रॉय ने कही। वृक्षारोपण के पश्चात श्री राय ने कहा कि धरती पर अत्याचार करना अपने जीवन पर अत्याचार करने के बराबर है। आगे उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हर चीज़ पर अपना अधिकार समझकर सब कुछ अपने अधीन कर लेने की चेष्टा के लिए आपाधापी में बढ़ जाते हैं लोग। हम यह भूल जाते हैं कि धरा की जिस गोद में हम बैठे हैं, प्रकृति के जिस आलिंगन में पल बढ़ रहे हैं, उसी पर आधिपत्य जमा कर अपने लिए आत्मघाती बनते जा रहे हैं। इसी कारण हमारा सामना आजकल अल्पवृष्टि, अधिक वृष्टि, ओलावृष्टि एवं बाढ़ जैसी आपदाओं से हो रहा है। मौके पर सत्संग प्रेमी कृष्ण मुरारी सिंह ने आने वाली संतति को हमें उपहार में हरी भरी धरती देने की बात कही।
मौके पर सत्संग से जुड़े तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि धरती को बचाकर ही हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आज आम, अमरूद, कटहल, अनार, महोगनी, अशोक इत्यादि फलदार, छायादार एवं अन्य वृक्ष लगाए गए। वृक्षारोपण के दौरान राम इकबाल भगत, सुबोध कुमार सिंह, सीता राय, कुमार गौरव, पूनम सिंह, रश्मि रूही, सुभाषीष गांधी, उमा ठाकुर के साथ ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से जुड़े दर्जनों लोगों ने सहभागिता की। आज पूजनीय बाबा ईदा के जन्मदिवस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह से ही नाम ध्यान विनती प्रार्थना एवं भजन कीर्तन से की गई। जाप सेवा दल ने जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराया मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सैनिटाइजर मशीन एवं लिक्विड। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा, जारी रहेगी निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव द्वारा कोरोना काल में बनाई गई सेवा दल, जो लगातार गरीब और जरूरतमंदों के बीच निस्वार्थ सेवा प्रदान कर रहा है, उसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के सेवा दल के सेवाधारियों का नेतृत्व करने वाले पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सह पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान द्वारा आज आम आवाम गरीब जनता के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन एवं साथ में सोडियम हाइपोक्लोराइड का लिक्विड दिया जा रहा है, जिससे किसी भी आम इंसान की जिंदगी वक्त रहते बचाई जा सके। पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूथ हैंड के सचिव यूसुफ इकबाल एवं डॉक्टर यूनुस सलीम की तरफ से मुहैया कराया गया। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीमीटर मासूम भाई, डॉक्टर अब्दुल गफूर, कारी अब्दुल रहीम, छिड़काव के लिए इंदु केमिकल के डायरेक्टर मोहम्मद अखलाक ने 240 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर और दवाइयां खुद डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान ने मुहैया कराया। पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना खान का कहना है कि इन लोगों ने खुद से कॉन्टैक्ट करके कहा कि जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक सेवा दल के सेवाधारियों से प्रेरित होकर जो गरीबों की मदद कर रही है, इसके लिए हम लोग मदद में सेवाधारियों के साथ कुछ काम करना चाहते हैं। सर, मेरे पास जन अधिकार पार्टी ने जो सेवा दल बनाया है, सेवाधारियों के पास सब कुछ अवेलेबल है, दवा से लेके कैसे उसका ट्रीटमेंट करना, डॉक्टर की टीम मौजूद है, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद है, ऑक्सीमीटर मौजूद है, साथ में जब कोविड के पेशेंट जब कोविड से ठीक हो जाते हैं तो सैनिटाइज कराने के लिए सारा ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मौजूद है, ये मौजूद है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जिससे छिड़काव होता है वो मौजूद है, सारा चीज़ हम लोग फ्री में मुहैया करा रहे हैं। पप्पू यादव जेल में रहते हुए उनका सेवाधारी उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और हम लोग मांग भी करते हैं कि इतने लोगों की मौत जो सिर्फ और सिर्फ नेगलिजेंसी की वजह से हो गई और पप्पू यादव आज बाहर होते तो उन लोगों की जान बच सकती। सर, ये अभी ये अभियान हर जिले में चल रहा है, दरभंगा में भी पहले से चल रहा था लेकिन आज हम लोगों ने इसको प्रेस के माध्यम से लोगों को बताना चाहा है कि लोगों को ये पता चल जाए कि डॉक्टर की टीम भी सेवा दल के पास मौजूद है, सेवा दल के पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है, सेनेटर भी मौजूद है, ऑक्सीमीटर भी मौजूद है, सैनिटाइजर भी मौजूद है, सारा चीज़ मौजूद है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत जब आपको पड़े आप आधार कार्ड लेके आइए और यहाँ से फ्री में सेवा प्रदान कीजिए। सर, उन तो जब किसी का फ़ोन आता है हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले तो हम लोग अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, फिर जो लोग बुलाते हैं उनको सैनिटाइज करके उनका देखते हैं, ऑक्सीमीटर लगा के देखते हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है। मोस्टली लोगों का डर जो होता है इस बात से होता है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो मतलब 94-93 हो गया, डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 92-91 भी है तो आदमी अस्थिर है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास मौजूद है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद है, दूसरी बात की दवाइयाँ मौजूद है, फ्री में हम लोग सारा काम कर रहे हैं। डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं हम लोग टेलीफोनिक करते हैं और फिर उसके बाद उनको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशेंट को दिखा करके डॉक्टर के एडवाइस पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग डॉक्टर की जितनी भी टीम है, जितने भी लोग हैं उसमें डॉक्टर मुन्ना खान और उनकी टीम के थ्रू मतलब पेशेंट्स को जो भी अवेयरनेस कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं या मेडिसिन सप्लाई उन लोगों कर रहे हैं, हम लोग के एडवाइस पे जो भी कर रहे हैं तो वो इस हिसाब से जैसे कि वो लोग कांटेक्ट करते हैं इन लोगों को, इन लोग सिर्फ बताते हैं अपना दिक्कत बताते हैं, फिर जो भी चीज़ अवेलेबल नहीं होता है फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग अवेलेबल करवाते हैं। हम लोगों को ये बताते हैं कि उन लोगों को क्या क्या परेशानी है तो फिर हम लोग सिम्टम्स के हिसाब से
फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग का भी कोई डॉक्टर्स का भी कोई चार्जेस नहीं होता है ना, इन लोगों को जो भी सप्लाई दे रहे हैं ऑक्सीजन से लेके कंसेंट्रेटर या मास्क पल्स ऑक्सी दवा जो भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग उन लोगों तक पहुँचाते हैं। तो हम लोग पहले पेशेंट को कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि एट ए टाइम सारे पेशेंट को नहीं डील किया जा सकता है, तो जो ज़्यादा क्रिटिकल ज़्यादा सीवियर पेशेंट हैं उन लोगों को पहले देखते हुए उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज करके फिर दवा एडवाइस करते हैं। जिनको रेफ़र करना है वो रेफ़र किए जाते हैं, और जिनको होम आइसोलेशन के लिए बोलना है घर पर रख के ट्रीटमेंट देना है तो वो दिलवाते हैं। और दवा में जैसे इन लोगों के पास सारा दवा अवेलेबल है, ऑक्सीजन से लेके NRM मास्क से लेके मतलब एंटीवायरल, बाकी जो भी इम्यून बूस्टर चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए, जितना भी चीज़ चाहिए, सैनिटाइजेशन से लेके सब कुछ अवेलेबल है। इवन कि कोविड जब ठीक हो गया सैनिटाइज करना है घर को, तो ये लोग भी आफ्टर वो रिकवर कर गए तो वो लोग घर को भी सैनिटाइज करवाते हैं फिर सब कुछ। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को मीडिएटर के थ्रू आना है, उन लोगों को ये चिंता नहीं करना है कि हाँ कहाँ से कैसे क्या करना है, बस उन लोगों को इन लोग तक पहुँचना है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ, साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, सूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान, अब आपके शहर दरभंगा में फुल्ली एयर कंडीशन शोरूम, MN होम सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक के बगल में, एकमी घाट, लहरिया सराय। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ इटालियन एंड इंडियन मार्बल्स, ग्रेनाइट, टाइल्स, स्टोन्स एंड सैनिटरी आइटम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बाथरूम एंड किचन फिटिंग, रिटेल एंड होलसेल, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ हिंदवेयर। शोरूम में पधारें या फिर अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। सर्वोत्तम क्वालिटी के साथ उचित दाम की गारंटी। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में शुरू हुआ अनलॉक, अल्टरनेट डे खुलेंगी दुकानें। न्यूज टुडे पर जानिए किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान। बिहार में लॉकडाउन खत्म, अब शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, शाम 7 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। बिहार में लगातार नीचे आ रहा कोरोना का ग्राफ, आज मिले 711 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 8000 से नीचे। दरभंगा में 31 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा आंकड़ा। बाबाई दा के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित, पर्यावरण सुरक्षा का लिया गया संकल्प। जाप सेवा दल ने जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराया मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सैनिटाइजर मशीन एवं लिक्विड। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा जारी रहेगी निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा। दिन दहाड़े हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 लाख के साथ एक गिरफ्तार। रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई बैठक, मुख्य सचिव ने की ऑनलाइन मीटिंग। बाढ़ की तैयारी को लेकर भी आयोजित हुई मीटिंग। और हर घर नल जल योजना की हुई समीक्षा। दिन दहाड़े हुए लूटकांड का दरभंगा पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 लाख के साथ एक गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, DMCH परिसर में दिन दहाड़े हुए लूटकांड का किया उद्भेदन, एक गिरफ्तार, 3 लाख रुपए भी बरामद। दरभंगा में पिछले 3 जून को DMCH प्रिंसिपल ऑफिस के पोर्टिको के पास DMCH कर्मचारी कमल देव नारायण के साथ हुए लूटपाट के कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस को दी है। 3 जून को हुए इस लूटकांड में अपराधियों ने कमलदेव नारायण से 3.5 लाख रुपए छीन लिए थे। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए थे। इस संबंध में कमलदेव नारायण की शिकायत पर बेंता थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया था।
कांड प्रतिवेदित होने के पश्चात संबंधित थाना एवं तकनीकी शाखा के पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के द्वारा बैंक से पैसा निकासी स्थल का मुआयना किया गया। साथ ही घटना स्थल एवं वहां से जिस तरफ अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद भागे थे उस एरिया में लगे CCTV का अवलोकन किया गया। इसके पश्चात अपराधियों के पहनावे एवं प्रयोग किए गए मोटरसाइकिल से कटिहार के कोढ़ा गैंग के अपराधियों के होने की संभावना प्रतीत हुई थी। CCTV फुटेज के आधार पर उक्त अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी हेतु एक टीम तैयार की गई। सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में तकनीकी शाखा के पुलिसकर्मियों को कटिहार जिले के कोढ़ा थाना में सत्यापन एवं छापामारी हेतु भेजा गया। कांड में संलिप्त एक अपराधी की पहचान सुमित कुमार के तौर पर हुई। इसके पश्चात कोड़ा थाना के सहयोग से नया टोला गांव के जुरावगंज में छापेमारी कर 7 जून की रात्रि कटिहार जिले के नया टोला जुरावगंज निवासी विनोद यादव के बेटे सुमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर 3 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। घटना में शामिल दूसरे अपराधी की भी पहचान हो चुकी है, जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, बोले SSP बाबूराम। वर्तमान में मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में CSM विभाग के हेल्थ इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। संविदा के आधार पर मैं रिटायर कर्मी हूँ, लेकिन पुनर्नियोजित के तहत मैं 2 साल के लिए अनुबंध पर मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। दिनांक 30/6/2000 की ये घटना है। मैं बैंक गया था, वहाँ से पैसा लेकर लौट रहा था। रास्ते में मैं जब अपने कैंपस में भीतर 42 के पास पहुंच गया और बाइक लगा के अपने कार्यालय की तरफ जा रहा था, तो सामने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति को मैंने आते हुए देखा। मैं ये नहीं समझा कि कौन है नहीं है, क्योंकि बाइक बहुत सारा लगी जाती थी। मैं जो हुए आगे बढ़ा कि वो आगे से आके शिकायत जो है झपट्टा मार के जो है निकल के भागा। मैं बहुत हल्ला किया वहाँ पर। हल्ला करने के बाद भी सामने गेट खुला हुआ था, गेट खुलने के क्रम में भी मतलब वो आराम से निकल पा गया। मैं बहुत हल्ला किया, पीछा भी थी पकड़ में नहीं आ पाया। 3.5 लाख रुपये फंड है। मैं निजी कार्य के लिए अपने चार कर्मी हूँ, रसायन घर बनाने में कर रहा हूँ, इसी सिलसिले से मैं थोड़ा सा। 3 तारीख को यहाँ 4 दिन पहले DMCH के कैंपस में एक व्यक्ति से 2 अपराधियों ने 3.5 लाख रुपये छीन लिए थे। CCTV फुटेज वगैरह की हम लोगों ने देखे आसपास के घटनास्थल पे, जहाँ बैंक से पैसा निकाला था, तो कुछ हुलिया हम लोगों को मिला CCTV से, और उसके आधार पर हम लोगों ने अनुमान लगाया कि ये जो अपराध करने की शैली है वो कोड़ा गैंग से मिलती है। तो इसके लिए टेक्निकल सेल की टीम और हमारे सिंहवाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार, ये लोग कोड़ा गए थे। वहाँ पर इन्होंने जाके स्थानीय थाना के सहयोग के साथ में वहाँ पर सूचना संकलन किया और वहाँ 2 अपराधियों का नाम स्पष्ट हो गया, और फिर छापामारी करके 1 अपराधी की गिरफ्तारी की, और इसके पास से लूट का 3 लाख रुपया भी बरामद हो गया है, और दूसरे अपराधी के बारे में भी पता चल गया है, उसके लिए भी छापामारी का प्रयास जारी है। ये जो पीड़ित हैं वो बैंक से पैसा निकाल कर निकले थे, और बैंक में ही 1 अपराधी इनमें से नज़र रखे हुए था, वहीं से इन्होंने पीछा किया और रास्ते में मौका मिलते ही उसके हाथ से झोला छीन लिया और बाइक से लोग फरार हो गए, और जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक ये लोग शहर से निकल गए। हालांकि CCTV में कई जगह पर फुटेज में इनकी एक्टिविटी कैद हो गई थी, संदेह के रूप में इनके स्केच और इनकी फ़ोटो हम लोगों के पास मौजूद थी, जिसकी मदद से हम लोगों ने केस को उद्भेदन की। 3.5 लाख रुपये कुल लूटे गए थे, जिसमें से 3 लाख रुपये बरामद हो गए हैं, 50,000 इन्होंने खर्च कर दिए। रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई बैठक, मुख्य सचिव ने की ऑनलाइन मीटिंग। रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई बैठक, मुख्य सचिव ने संबंधित DM और कमिश्नर के साथ की मीटिंग। मुख्य सचिव बिहार त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए बिहार के 10 जिले पटना, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा एवं सीतामढ़ी के जिलाधिकारी और पटना, पूर्णिया, कोसी, तिरहुत, सारण एवं दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त के साथ राजस्व विभाग बिहार द्वारा ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा में काकरघट्टी रेल लाइन दोहरीकरण के लिए दरभंगा बाईपास लाइन से सिसो हॉल्ट और काकरघट्टी तक के लिए 20.09 एकड़ यानी 8.19 हेक्टेयर जमीन के भू अर्जन के लिए रेलवे द्वारा जमीन की मांग की गई है और इसके लिए 175 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन SM ने बताया कि 5 सितंबर 2020 को रेलवे द्वारा उक्त जमीन की मांग की गई थी, 28 सितंबर को राशि उपलब्ध कराई गई है,
24 सितंबर को SIA का नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 के तहत किया गया है एवं 4 मार्च 2021 को अंडर सेक्शन 6 के तहत SIA रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। अंडर सेक्शन 7 के तहत एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 9 अप्रैल 2021 को प्रकाशित की गई है। रैयतों की सुनवाई अंडर सेक्शन 19 के तहत की जानी है। इसके तहत मुआवजा दिया जाना है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 माह का समय लगेगा। अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार विवेक सिंह ने कहा कि 4 महीने के अंदर भू अर्जन की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। ऑनलाइन बैठक में दरभंगा से अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार एवं उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres एनवायरमेंट फ्रेंडली कैंपस, ऑल क्लासरूम्स आर एज पर CBSE नॉर्म्स, नो री एडमिशन चार्जेस फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरिया सराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा, सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बिहार में शुरू हुआ अनलॉक, अल्टरनेट डे खुलेंगी दुकानें। न्यूज टुडे पर जानिए किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान। बिहार में लॉकडाउन खत्म, अब शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, शाम 7 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। बिहार में लगातार नीचे आ रहा कोरोना का ग्राफ, आज मिले 711 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 8000 से नीचे। दरभंगा में 31 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा आंकड़ा। बाबाई दा के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित, पर्यावरण सुरक्षा का लिया गया संकल्प। जाप सेवा दल ने जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराया मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सैनिटाइजर मशीन एवं लिक्विड। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा जारी रहेगी निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा। दिन दहाड़े हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 लाख के साथ एक गिरफ्तार। रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई बैठक, मुख्य सचिव ने की ऑनलाइन मीटिंग। बाढ़ की तैयारी को लेकर भी आयोजित हुई मीटिंग और हर घर नल जल योजना की हुई समीक्षा। बाढ़ की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई मीटिंग, दिए गए कई निर्देश। बाढ़ की तैयारी को लेकर DM ने की बैठक, दिए कई निर्देश। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित सभागार में बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून का आगमन 13 जून से संभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किसी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार सख्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 7 जून को बाढ़ पूर्व तैयारी की बैठक की गई थी और उसमें इसकी वृहद समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ सहायता राशि प्रदान करने के लिए संपूर्ति पोर्टल पर नाम अद्यतन करने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षणकर्ता सही ढंग से सर्वेक्षण करें, छूटे हुए नाम को जोड़ना है, अयोग्य लाभुकों का नाम हटाना है। छूटे हुए नाम के लिए बाढ़ निगरानी समिति, पंचायत निगरानी समिति इसकी निगरानी और अनुश्रवण करेंगे। वैसे पंचायत जहाँ 3000 से अधिक लाभुकों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध है, उसे निकालकर संबंधित अंचलाधिकारी को भेजी जा रही है, वे ठीक से सर्वेक्षण करा लेंगे। बाढ़ के दौरान कई टोला कई गांव छूट जाने की सूचना मिलती है। उन्होंने कहा कि अभी केवल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, बाढ़ आने पर पुनः बाढ़ प्रभावित गांव का सर्वेक्षण कराया जाएगा कि किसे लाभ मिलना चाहिए और किसे नहीं मिलना चाहिए। सूची में नाम रहने का यह अर्थ कतई नहीं है कि उसे लाभ मिलना ही चाहिए, इसलिए सभी परिवारों के नाम सूचीबद्ध कर आधार से लिंक करा लिया जाए। और हर घर नल जल योजना की हुई समीक्षा। हर घर नल जल योजना की हुई समीक्षा। विकास आयुक्त बिहार सरकार की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार सरकार, सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। दरभंगा से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, PhD के सहायक अभियंता सूरज कुमार, प्रोग्रामर राजकिशोर कमल ऑनलाइन उपस्थित थे। बैठक में वार्षिक डेटा अद्यतीकरण के पूर्व 100% हाउस कनेक्शन रजिस्टर के आधार पर वार्षिक डेटा अद्यतीकरण
पंजीकरण पूर्ण करने के उपरांत परिवारों की स्थिति, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग को वार्डों में शेष गृह जल संयोजन कार्य को पूर्ण करवाने की स्थिति, ग्रामीण परिवार के उपलब्ध कराए गए गृह संयोजन को भारत सरकार के IMIS पर प्रविष्टि करने की स्थिति, PHED वार्ड प्रबंधन समिति वार्डों में पंचायती राज विभाग द्वारा दिए गए गृह संयोजन के परिवारों के आधार कार्ड के साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराने की स्थिति, राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत शेष बचे बसावट को पूर्णतः आच्छादित करने तथा JEAES प्रभावित शेष परिवारों में गृह संयोजन उपलब्ध कराने की स्थिति एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के शेष बचे सभी विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों पंचायत भवन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र में जलापूर्ति उपलब्ध कराने की समीक्षा की गई। ये तब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में शुरू हुआ अनलॉक, अल्टरनेट डे खुलेंगी दुकानें, न्यूज टुडे पर जानिए किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान। बिहार में लॉकडाउन खत्म, अब शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें, शाम 7 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। बिहार में लगातार नीचे आ रहा कोरोना का ग्राफ, आज मिले 711 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी घटकर 8000 से नीचे। दरभंगा में 31 नए पॉजिटिव केस मिलने से बढ़ा आंकड़ा। बाबाई दा के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित, पर्यावरण सुरक्षा का लिया गया संकल्प। जाप सेवा दल ने जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराया मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सैनिटाइजर मशीन एवं लिक्विड, डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा जारी रहेगी निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा। दिन दहाड़े हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 लाख के साथ एक गिरफ्तार। रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर हुई बैठक, मुख्य सचिव ने की ऑनलाइन मीटिंग। बाढ़ की तैयारी को लेकर भी आयोजित हुई मीटिंग और हर घर नल जल योजना की हुई समीक्षा। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।